लोहरदगा नाम आते ही नक्सलियों के गढ़ की याद आती होगी, बंदूकों की तड़तड़ाहट और खौफ का साया। लेकिन यकीन मानिए, लोहरदगा आपके स्वागत के लिए इन दिनों तैयार है। यकीन नहीं होता तो रिपोर्ट देखिए आप। जिधर देखिए नजर ठहर जाएगी, कान सुनने को बेताब हो जाएंगे जंगल के सन्नाटे। पत्थरों से टकराते झरने के कलकल जल तरंग, ये जिंदगी के स्वर नहीं तो क्या है। जी हाँ, ये कुदरती नेमत मिली है झारखंड के लोहरदगा को। लावा पानी और धरधारिया जल प्रताप के साथ साथ रेलवे ब्रिज और झरने की खूबसूरत वादियों में पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। 27 नवंबर से इन इलाकों में पर्यटक बेखौफ प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। ये जगह तो काफी खूबसूरत है। हम लोग को जी मीडिया के माध्यम से इस जगह के बारे में जानकारी भी थी। हम लोग रांची से आए हुए हैं। पहले तो नक्सलियों का खौफ हुआ करते थे, पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं रहा। झरना है, काफी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। तो अब यहाँ गवर्नमेंट को होना चाहिए कि यहाँ का पर्यटक स्थल को सुधार करे, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। फिजा बदल रही है, आगे बढ़ रहा है लोहरदगा। दहशतगर्द नक्सलियों के दाग मिटा रहा है लोहरदगा। अब मौका है नए साल का। पुलिस कप्तान ने इस पिकनिक स्पॉट्स में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने की बात कही है। पिछले वर्ष की भांति जितनी प्रतिनिधियां थी वो तो रहेंगी ही। आवश्यकता अनुसार मैं वन विभाग से DFO साहब से बात करके पर्यटक स्थलों पे पर्यटक मित्र के माध्यम से ही सिक्योरिटी इंस्टॉल करने का कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल से आजादी के 7 दशक बाद पेसराल पहाड़ी इलाके में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंची और प्रकृति की गोद में छिपे लावा पानी जलप्रताप का अस्तित्व जैसे साकार हुआ। झारखंड के बढ़ते कदम कह रहे हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में पहचान मिले। प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, इसे लावा पानी की इसे झरने को, इस फॉल को, मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश, पूरे राज्य की दृष्टि से अगर तुलनात्मक अगर करके देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ है। चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे केंद्र स्तर पे हो, एक विस्तृत रूप से इसका एक प्रारूप तैयार करने के बाद है, चाहे वो कैसे इसका हम मैंने बेहतर तरीके से इको फ्रेंडली इसे कहा जाए स्वरूप देते हुए इस क्षेत्र को कैसे हम पर्यटन के रूप में हम आगे बढ़ चुका है इसका पूरा हम प्रयास करेंगे। तो आप भी कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए, सुंदरता और स्वाद की तरफ एक बार तो निहारिए। विश्वास है बाहर भटकना भूल जाएंगे, ऐसी अमिट छाप छोड़ेगा बढ़ता झारखंड। पारस कुमार साहू, जी मीडिया, लोहरदगा।